मिर्जापुर से ये बड़ी खबर है। हीट वेव से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हीट वेव से अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान भी शामिल है। 23 होमगार्ड के जवानों का अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। चुराफ में इन जवानों की ड्यूटी लगी थी, अब इनमें से कुछ जवानों की तबीयत बिगड़ गई है। हीट वेव की वजह से जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अब बढ़ गया है। हीट वेव से अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान शामिल है। 23 होमगार्ड के जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है। दरअसल इन जवानों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन हीट वेव की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये स्टॉप से मौतें हो रही है कि अभी तक कितनी मौतें हो? अभी हमारे पास जो सुबह से 11 बजे जैसे आना शुरू हुआ है तो कर 7 हमारे होमगार्ड जवान इस पार हुए हैं, और हमारे स्टाफ जो सिविल स्टाफ है उनमें से करीब 4 हुए हैं। 2 हमारे जो इलाहाबाद के वो भी ऑन ड्यूटी थे, वो लोग अपनी बॉडी को लेकर चले गए हैं। 23 जवान अभी हमारे पास भर्ती यहाँ पर, इनमें से 1 हमारा जो PAC का जवान था, 1 फायर सर्विस का था और 1 इसका सिविल सर्विस जो सिविल पुलिस का था, वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। सर, मिर्जापुर सेंटर में कितने लोग यहाँ किए? अभी हमारे पास 7 होमगार्ड जवान इस पार हुए। टोटल कितने इस पार हुए? 7 अभी तक, 7 होमगार्ड और होमगार्ड 7 मिला के 12 हमारे पास कन्फर्म है, 1 अज्ञात है, 13। और सर जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, आपको बता दें कि हीट वेव के जो के कारण ये इतना बड़ा घटना हो चुका है, और ये लोग पुलिंग अधिकारी के रूप में, पुलिंग ड्यूटी के रूप में जा रहे थे अपने स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे आउटर बहुत दूर दूर जाना था और जाने में भी इतना ज्यादा धूप लग गया, अस्पताल आते आते बहुत से लोगों को हालत सीरियस हो गया, और अंत में 13 लोग की पुष्टि जिला प्रशासन कर रहा है। आपको बता दें कि ये मरने वालों की संख्या कुछ बढ़ सकती है, और लोगों का मानना ये है कि वहाँ पे धूप इतना ज्यादा था कि सही उचित व्यवस्थाएं न थी, जिसके कारण ऐसा हुआ। और अगर सही उचित व्यवस्थाएं होती, पानी की व्यवस्थाएं, छाया की व्यवस्थाएं, तो हो सकता है इतना बड़ा घटना न होता। ठीक है राजेश, तो देखिए अभी फिलहाल अपडेट यही है कि मरने वाले जवानों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ चुका है। 13 लोगों की अभी तक जान जाने की खबर है। मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान बताए जा रहे हैं और 23 होमगार्ड के जवान हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है।